नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की एक हमारी खास खबर है, खास खबर कोरोना से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी जाने अनजाने कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है जिसे कोरोना बीमारी हो गई वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। उसे आप एक विक्टिम की तरह बिल्कुल भी ना देखें। वो एक विक्टिम नहीं है, वो एक कोरोना वॉरियर है जिसने जंग जीती है कोरोना से। आप सबको पता होगा पूरे विश्व के अंदर ये महामारी फैल चुकी है, लाखों लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे बचे भी हैं। जो लोग बचे हैं वो एक विक्टिम नहीं, वो एक योद्धा है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा बंदा या व्यक्ति जो भी आपका कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद आज वो निगेटिव है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा कोरोना योद्धा है। कोई ऐसा आपको तो नजर नहीं आता कि कोई जैसे परहेज कर रहा हो और काफी मतलब एक मतलब जो आउटसाइडर है उनसे तो नहीं कहूंगा, बट हाँ कुछ इस मोहल्ले के लोग हैं फ्रेंड में हैं उनसे ही थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि लोग हम अपनी छत पे होते हैं फिर भी लोग दूर से ही, मास्क लगाए हो तो बात अलग है जैसे आप लगाए हो, पर लोग दूर से ही अगर अच्छा खासा डिस्टेंस है, मोर देन 2 मीटर है, 4 मीटर है, फिर भी चुन्नी फॉल मुंह पे पकड़ लेंगे, बांध लेंगे, मतलब एक आपको देखने के बाद वो चुन्नियां मुंह पे रख लेना और एकदम असहज महसूस करना, कुछ ऐसा ऑकवर्ड फील कराना। अच्छा, सामने वाला पर्सन ऑकवर्ड फील कराता है इस चीज को। हाँ, अगर आप प्रॉपर मास्क पहने हो, ठीक है, फॉलो कर रहे हो, वो चलो अंडरस्टैंडेबल चीज है, बट जब वो जबरदस्ती हमें देखे केवल चुन्नी लपेट लो मुंह पे, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कराता है, बट हम मैटर नहीं करते, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी इशू है। मगर फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना हमको घायल नहीं करता है जितना लोगों का बिहेवियर। जब मेरा पॉजिटिव निकल जाता है तो लोग जो हमारे से बिहेवियर करती है, जिस निगाह से देखती है, वो अनुभव हमको अंदर से तोड़ देता है, जैसा वो हमारे परिवार के संग बिहेवियर करती है। कोरोना की दवाई है, मेडिसिन है, मगर जो सामाजिक लोग हमारे संग करते हैं उसकी कोई दवाई नहीं है। आज दिनांक 1 अगस्त 2020 को हमारे बरेली शहर विधायक माननीय अरुण कुमार के भतीजे एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूर्व महानगर महामंत्री अमित सक्सेना से आज कोरोना जंग के विषय में वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि लंबे समय से कोरोना से लड़ने के बाद आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक दुख की बात यह है कि समाज के लोग कोरोना पेशेंट को एक गलत नज़र से देख रहे हैं और उनको समाज का दुश्मन मान रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप दूसरों का अपमान कर रहे हैं वहाँ पर आप खुद को रख कर देखें, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंट को कोरोना पेशेंट की नज़र से ना देखें, उसे भी आम लोगों की तरह देखें। एक चीज़ मैंने जो देखी उससे बड़ी निराशा मुझे हुई कि कोरोना पेशेंट को कोरोना बीमारी से दिक्कत कम और लोगों के व्यवहार से दिक्कत ज्यादा है। कोरोना पेशेंट को इस तरीके से देखा जाता है, उसके परिवार को इस तरीके से देखा जाता है जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, और ये चीज़ बहुत गलत है। अभी कुछ समय से शिकायतें आ रही है जनता की कि जो बरेली के कोविड-19 हॉस्पिटल हैं, 300 बेड हॉस्पिटल है आपका, ये फतेहगंज राजश्री हॉस्पिटल है, तो ये यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं, वहाँ पर कई व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों है? देखिए, सरकार की तरफ से काफ़ी सेवाएं दी जा रही हैं। इस विषय में सीएमओ साहब से मेरी बात हुई थी, सीएमओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त की जाएंगी और पेशेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उस हिसाब की व्यवस्थाएं अभी तक नहीं है, लेकिन सीएमओ साहब की बात पे मुझे पूरा यकीन है कि वे जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं सुचारू करवाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा, जैसा भी आपने कहा कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसमें किसकी चूक मानेंगे, प्रशासन की मानेंगे या सरकार की चूक मानेंगे, ऐसा क्यों रोक नहीं लग पा रही है? देखिए, जो पेशेंट बढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हमारी खुद की चूक, आम व्यक्ति की चूक है। घर से ना निकलने की अपील की जा रही बार बार, घर से कम निकलें, लेकिन आदमी नहीं मान रहा है, जनता नहीं मान रही। अगर सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो जनता को राशन की दिक्कत होती है, फिर जनता उसके खिलाफ बोलती है कि साहब हम पर राशन नहीं है। तो सरकार लॉकडाउन लगाए या न लगाए ये बात तय हमें बाद में करनी है, हमें सरकार पर थोपना नहीं है, हमें सबसे पहले अपने आप को घर पर रोकना। अभी कुछ आने वाले त्योहार हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त,
आप जनता को क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से और किस सावधानी से त्योहार मनाया जाए? रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। इस समय कोरोना बीमारी चल रही है तो सभी से अपील ये रहेगी कि मास्क का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोए साबुन से, हाथ सैनिटाइज करें और राखी की जगह अगर कलावे का प्रयोग करें, हर किसी घर में कलावा होगा उसको ही राखी बांधे। उससे यह है कि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया जो हैं इस कोरोना के, हम उससे काफी हद तक बचेंगे। और प्रयास ये करें घर के पास जो दुकानें हो वहीं से संभाल लें और अपने घर में ही रहें। अभी ये आपका जनता के लिए कुछ संदेश? जनता के लिए मेरा संदेश ये है कि कोरोना से बिल्कुल ना डरें, अपने घरों में रहें, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। और अगर किसी कोरोना पेशेंट, कोरोना वॉरियर और उसके परिवार को कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वह मेरा नंबर नोट करें। मेरा नंबर है 6397974540। आप मुझे सीधा संपर्क करें, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूँ। तो इसी तरीके की वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा।